गुड आफ्टरनून गाइस, बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है, 6.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ऑल दो रिजल्ट इसके इतने ख़राब नहीं थे, अच्छे रिजल्ट थे, उसके बावजूद जो गिरावट देखने को मिल रही, तो कई सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या इसमें लॉस बुक कर लूँ, क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्यों इसमें गिरावट हो रही है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों के आपको जवाब मिलेंगे वीडियो लास्ट तक देखोगे तो। और कई कई सारे लोग इंट्राडे में भी हो सकता है फंस गए हों, रिजल्ट देख के गए हों कि भाई चलो इंट्राडे कर लेते हैं और फिर ऊपर जाके बाई करके भी फंस गए हो, तो उनके लिए भी बताऊँगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट कवर होंगे, उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर, जो भी वीडियो आती सब आती है एजुकेशनल पर्पज के लिए। बाय ऑन बाय देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सेल्स बढ़ी हैं, लगभग 26% के आसपास सेल्स बढ़ी हुई दिखेंगी आपको, और अगर प्रॉफिट देखोगे तो 80% के आसपास प्रॉफिट्स बढ़े हैं, तो अच्छे रिजल्ट हैं बाय ऑन बाय। और अगर क्यू एन क्यू देखोगे तो क्यू एन क्यू में भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लगभग 1% के आसपास सेल्स बढ़ी हैं और 14% के आसपास आपको प्रॉफिट्स बढ़ते दिखेंगे, तो रिजल्ट अच्छे हैं बाय ऑन बाय भी, क्यू एन क्यू भी। और अगर आप बात करोगे रिटर्न की, तो रिटर्न भाई कंपनी के काफ़ी धांसू रिटर्न हैं, मतलब लार्ज कैप कंपनी है बजाज फाइनेंस, NBFC में मुझे नंबर एक कंपनी दिखती है, मतलब पोर्टफोलियो का मेरा स्टॉक है, मुझे तो कोई दिक्कत डाउट नहीं दिखता इस स्टॉक में, और जब भी ये गिरता है मैं इसको ज़रूर मेरे रडार पे रहता है, वैसे तो ये मौका बहुत कम ही देता है, जब भी गिरता है तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बाइंग की जाती है मेरे द्वारा। तो ये तो बात हो गई, एक लार्ज कैप स्टॉक है और इसके रिटर्न देखोगे तो आपको भाई मिड कैप और अपना स्मॉल कैप जैसे रिटर्न देखने को मिलेंगे, 10 साल में 8000% के रिटर्न, 5 साल में 425% के रिटर्न, तो रिटर्न बहुत ही धांसू रिटर्न है इसके। तो ये तो कुछ रिटर्न वाली बात हो गई, बाकी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं दिखती, तो फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इस तरीके से गिरावट क्यों हुई, तो ये भाई ऑपरेटर हैं, काफ़ी सारे लोगों को फंसा देते हैं रिजल्ट वाले दिन, इसलिए मैंने कई बार वीडियो बनाई बताया भी है, रिजल्ट वाले दिन कुछ भी नहीं करना होता है, हमें नहीं पता, हो सकता है कभी कभी अच्छे रिजल्ट आते हैं फिर भी स्टॉक गिर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है रिजल्ट ख़राब भी होते हैं उसके बाद भी स्टॉक को भगा दिया जाता है, तो ये सारी एक्टिविटी चलती रहती है, हमें इनमें नहीं पड़ना, हमें तो भाई अच्छा स्टॉक है, अच्छे स्टॉक को पहले पिक करना है कि भाई ये अच्छा स्टॉक है, टिक लगा लिया उस पर, जो भी आपके पैरामीटर हैं उन पे सब पे टिक लगा ली, हाँ भाई इसमें भी मुझे खरा उतर रहा है, उसमें भी, इसमें भी ठीक है ये सारे, उसके बाद जब भी अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस के आसपास मिलता है तब वहाँ पे उसे ज़रूर ग्रैब करना है, चाहे उसमें फिर शॉर्ट टर्म करो चाहे लॉन्ग टर्म करो, दोनों ही चीज़ें करते हैं, आपको पता है मैं पर्सनली दोनों ही चीज़ें करता हूँ। चार्ट पर अगर देखोगे तो हमने इसे खरीदा था, यहीं खरीदा था लगभग 6500-6600 के आसपास में, और एक बार एक डिप यहाँ पे भी लगाई थी 6000 के आसपास में, तो दो डिप में इसमें ख़रीदारी की है मैंने पर्सनली खुद, तो अगेन काफ़ी बढ़िया प्राइस के आसपास आ गया है, CMP के आसपास भी काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव लग रहा है, तो यहाँ पर भी एक डिप लगा सकते हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखती, क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादा मौके देता नहीं है, हो सकता है यहीं से बाउंस बैक कर जाए, तो हर गिरावट में इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके ऐड कर सकते हो, ये यहाँ इस डिप में खरीद सकते हो, नीचे 6000 के आसपास मिलता है तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ये तो हो गया मेरा नज़रिया। और अगर आप लोग अगर ऊपर के प्राइसेस से फंस गए हो, आज इंट्राडे कर लिया हो, तो भाई आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा स्टॉक नहीं है बजाज फाइनेंस उसमें लॉस बुक किया जाए, ऊपर भी खरीद लिया कहीं तो भी लॉस बुक नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया शानदार स्टॉक है, टॉप स्टॉक है, तो इसमें कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, बस थोड़े से आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, मोमेंटम आपने चेज़ किया, क्योंकि आप लोग सोचते हो बस अब मौका नहीं आएगा दोबारा, कि आप तब मौका ना दें, लेकिन भाई सूनर और लेटर स्टॉक मौका दे देते हैं, चाहे कोई भी न्यूज़ बैड आए चाहे कुछ भी हो, लेकिन मौका मिल जाता है, फिलहाल इतना पता है मुझे, काफ़ी सारी मैंने एनालिसिस रिसर्च वगैरह की हैं, हर स्टॉक्स पर मेरी रहती है नज़रें, और मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग सोचते हैं कि शायद ये ना मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिल जाता है, चाहे वो ग्लोबल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो कुछ एलिगेशन लग जाए किसी पे, चाहे कहीं पे कोई निगेटिव खबर आ जाए, चाहे रिजल्ट खराब आए, तो कभी ना कभी मौका मिल जाता है अच्छे स्टॉक में, और उन्हीं मौक़ों पे ज़रूर मैं, आपको पता है, अच्छे स्टॉक को बाई करना पसंद करता हूं, तो ये मैंने मोटे मोटे व्यू बता दिए बजाज फाइनेंस पे, ना एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा फर्नीचर भाई बोल सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो, सुनिए सबकी करनी अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, जय हिंद दोस्तों।